शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में दूरवर्ती शिक्षा प्रभावी साधन, राज्यपाल श्री पटेल। विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें, राज्यपाल ने नैक की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला का किया उद्घाटन। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने रचा नया इतिहास, मुख्यमंत्री श्री चौहान, महिला वित्त विकास नियम का होगा सुदृढ़ीकरण। प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से स्थापित होगा मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष, मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना होगी प्रारंभ। इंदौर और भोपाल में महिला उद्यम प्रोत्साहन के लिए बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क। महिलाओं ने संभाली मुख्यमंत्री श्री चौहान की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिस ने संभाली जिम्मेदारी। सीएम के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रच रहे हैं षड्यंत्र, मतगणना में गड़बड़ी कराने की आशंका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने का समाचार प्रदेश के हर विधानसभा को चौकन्ना रहने का संदेश दे रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और वाराणसी में सपा चुनाव जीत रही है, इसलिए भाजपा में खलबली मच गई है। फिर विवादों में कपिल शर्मा शो द कपिल कश्मीर फाइल्स में प्रमोशन में किया इंकार। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म कश्मीरी पंडित के संघर्ष को दिखाती है। जब एक फैन ने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि उनको अपनी फिल्म को द कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में लिखा था कि कपिल शर्मा के शो पर कौन आ सकता है, इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता हूं। इसके बाद से मामला बढ़ता चला गया। अभिनेत्री पार्वती नायर ने शेयर की तस्वीर, कैप्शन में कुछ इस तरह किया प्यार का इजहार। चेन्नई सुपर किंग्स उन चुनिंदा टीमों में से एक है जिसमें 15वें सीजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। धोनी के अलावा नेट्स में अंबावित रायुड, केएम आसिफ और अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार राजवर्धन हंगरेगर भी प्रैक्टिस करते दिखे। बेकार गई बिस्माह और आलिया की पारी, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाक टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 190 रन बनाए हैं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 34.4 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम इसी महीने होगा जारी। पढ़ें रेलवे भर्ती का जानकारी। रेलवे भर्ती बोर्ड की बेहद महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम इसी महीने जारी होंगे। रेलवे बोर्ड ने अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड उम्मीदवारों की सभी मांगों को मान लिया है। आरआरबी एनटीपीसी को परिणाम पहले 15 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। 10वीं पास के लिए बैंक में निकली नौकरी। इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2022। इंडियन बैंक ने अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में विभिन्न राज्यों में सुरक्षा गार्ड के पदों पर रिक्तियों को भरने की भूतपूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च 2022 तक है। सुप्रीम कोर्ट में फिर घिरी नीतीश सरकार, अदालत ने सुनाई खरी खरी। बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, जिसके तहत पूरे राज्य में उत्पादन, बिक्री और खपत पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ डाइजेस्ट metromirror.com।